आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी व्रतनी बनने वाले एक बहुत ही आसान और कम समय में बनने वाला ये क्रिस्पी फिंगर्स की रेसिपी, जो बनाने में बहुत आसान है। और अच्छी बात यह है कि आप इसको 2 से 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये अंदर से कितना सॉफ्ट है और ऊपर से कितना क्रिस्पी हो रहा है। इसको आप इस खट्टी चटनी के साथ खाइए तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो रेसिपी शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ शैली और आप देख रहे हैं भोजन शैली। व्रत के क्रिस्पी फिंगर बनाने के लिए मैंने ये सूखे चावल लिए हैं। इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। कोई इसे सामक के चावल कहते हैं, कोई व्रत के चावल कहते हैं। अगर आपके यहाँ इन चावलों का आटा मिलता हो तो आप वो भी ले सकते हैं। साथ में मैंने ली है ये 2 हरी मिर्च, जिसको कि मैंने बारीक काट लिया है। तो ये उबले हुए आलू और 1/2 कप के बराबर ये कद्दूकस करी हुई लौकी, थोड़ा सा हरा धनिया और 1/2 इंच का अदरक का टुकड़ा, जिसको कि मैंने बारीक कद्दूकस कर लिया है। सबसे पहले इन चावलों को मिक्सी के जार में डाल करके देखिए, मैंने इतना बारीक इसका पाउडर तैयार कर लिया है। मैं पास से दिखाती हूँ आपको। अब एक पैन में जितने मैंने चावल लिए थे उससे 3 गुना मैंने पानी डाला, मतलब मैंने 1/2 कप चावल लिए थे तो मैं यहाँ पे 1.5 कप पानी डाल रही हूँ। अगर आपके पास कप ना हो तो आप घर की कोई भी कटोरी सेट कर लें और उससे ये स्नैक्स बनाएं। अब मैंने इसमें ऐड किया 1/2 टीस्पून के बराबर जीरा, 1/2 टीस्पून के बराबर ये व्रत वाला नमक, 1/4 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। आप इन चीजों में से जो भी चीज व्रत में ना खाते हो उसको स्किप कर सकते हैं। 1 चम्मच देसी घी या आप जो भी ऑयल खाते हो वो इसमें 1 चम्मच के बराबर डाल दें। जैसे ही पानी में उबाल आया मैंने इसमें अदरक डाली, कटी हुई हरी मिर्च डाली और ये कद्दूकस करी हुई लौकी डाल दी। अच्छे से मिक्स किया और ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल दिया। अब इसको हमको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है, जिससे कि ये लौकी जो है हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। तो अब मैंने इसमें जो चावल पीसे थे ना बारीक, वो डाल दिए और अच्छी तरीके से इसको लगातार चलाते जाना है, जिससे कि इसमें कोई लम्स वगैरह ना पड़ जाए। और गैस का फ्लेम जो है हमको मीडियम से स्लो की तरफ ही रखना है, क्योंकि अगर हम गैस का फ्लेम तेज़ रखेंगे तो ये हमारे चावल एकदम से गर्म हो जाएंगे और गांठें बन जाएंगी इसमें। तो देखिए, इसको लगातार इस तरीके से स्पैचुला की मदद से आप चलाते जाइए और इन गांठों को ना पड़ने दीजिए। 2 से 3 मिनट तक इसको लगातार चलाते हुए आप देखेंगे कि ये ऐसा डो की फॉर्म में तैयार होने लग गया है, फ्राई पैन को छोड़ने लग गया है। अब इस स्टेज पे हमने गैस का फ्लेम बंद करना है और जो ये हमने उबले हुए आलू लिए थे ना, इसको कद्दूकस की मदद से इसी स्टेज में गरम गरम में ही हमें मैश कर देना है इसके साथ। ये देखिए, दोनों आलू कद्दूकस कर लिए मैंने और इसको मैं स्पैचुला की मदद से इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। इसमें जब आप आलू मैश करें तो ध्यान रखिएगा कि हमको गरम में ही मिक्स करना है और स्पैचुला की मदद से करिएगा, जिससे कि आपके हाथ वगैरह ना जलें। और आलू जब हम इसको गरम में मिक्स करेंगे ना तो ये बहुत अच्छी तरीके से इसका डो तैयार होगा, हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये इसमें आलू हमने मैश किया है। अब कोई भी एक प्लेट लें, उसमें 2-3 बूंदे ऐसे घी की डाल के उसे अच्छे से ग्रीस कर लें और इस डो को प्लेट में निकाल के ऐसे स्पैचुला की मदद से इसको ऐसे सेट कर लें। ऐसे टैप करते जाइए। तो देखिए, मैं इसका ऐसे चौकोर सा पीस तैयार कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा, इसको ठंडा मत होने दीजिएगा, क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया तो इसको शेप देना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। तो ये देखिए, अब हमारा ये डो जो है एक अच्छी सी शेप में आ गया है। इसको बहुत ज़्यादा मोटा हमें नहीं रखना है, बस ऐसा ही रखना है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ रहे हैं 1/2 घंटे के लिए। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम अपनी चटनी तैयार कर लेते हैं। चटनी के लिए मिक्सी के जार में मैंने ये हरा धनिया
जो है रफली चॉप करके डाल दिया और 3 से 4 हरी मिर्च मैं इसमें काट के डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून के बराबर ज़ीरा, 1/4 टीस्पून के बराबर सेंधा नमक और ये 1 नींबू मैंने इसमें निचोड़ के डाल दिया। अगर आप थोड़ा ज़्यादा खट्टा पसंद करते हो तो आप 2 नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हैं। 1-2 चम्मच पानी डाल के देखिए चटनी हमारी पिस करके रेडी है। ये चटनी ना थोड़ी स्पाइसी ही बनाइएगा क्योंकि व्रत में ना हमारा कुछ तीखा सा खाने का मन होता है। तो अब इस चटनी को मैं इस बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब मैंने इसमें ऐड किया 2 टेबलस्पून के बराबर ये थोड़ा गाढ़ा वाला दही और इसे अच्छे से किया मिक्स। तो लीजिए हमारी व्रत की एकदम बढ़िया स्पाइसी सी खट्टी सी चटनी ये तैयार है। देखिए अब ये हमारा क्रिस्पी फिंगर्स का डोबी बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम इसको ऐसे लंबे लंबे पीसेस में काट रहे हैं। आप जो भी शेप पसंद करते हो आप उसको उस शेप में काट सकते हैं। मैं इसको थोड़ा लंबे शेप में काट रही हूँ। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ ये हमारे क्रिस्पी फिंगर्स जो हैं कितने बढ़िया सेट हुए हैं। अब आप चाहें तो आप इसको उठा करके ऐसे किसी भी एयर टाइट डब्बे में रख के फ्रिज में 2 से 3 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको इसको तलना हो या डीप फ्राई करना हो या शैलो फ्राई करना हो, जो भी आपको करना हो, जब आप यूज़ करें तो इसको फ्रिज में से निकालें यूज़ कर लें। मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया और मैं अब इन क्रिस्पी फिंगर्स को शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एयर फ्रायर हो तो आप इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं। उसमें बिल्कुल ज़रा सा ही इसमें ऑयल लगता है। तो इसको जो है 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम से स्लो गैस पे रख के हमको फ्राई कर लेना है उलटते पलटते हुए। 2 मिनट के बाद इसको ऐसे पलटना है जिससे दूसरी तरफ से भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएं। तो देखिए हमारे क्रिस्पी फ्राइज बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और अब मैंने निकाल रही हूँ टिश्यू पेपर पे और अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो ये हमारे एकदम टेस्टी करारे क्रिस्पी फिंगर्स बन करके रेडी हैं। अंदर से कितने सॉफ्ट हैं और बाहर से देखिए कितने क्रिस्पी हैं। इनको इस खट्टी चटनी के साथ खाइए और इनका मज़ा लीजिए। तो अगर मेरी रेसिपी आपको ये बना के पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो नेक्स्ट रेसिपी तक गुड बाय।